नमस्कार, नीतिगर कलाकृति यूजफुल टिप सेशन 24 में आपका स्वागत है। आज हम फिर हाजिर हैं एक और नया टॉपिक आपके साथ शेयर करने के लिए। आज हम बात करेंगे किचन गार्डन की। अक्सर हम जब किचन गार्डन का नाम आता है तो जगह के अभाव के कारण इस शौक को पूरा नहीं कर पाते हैं। तो आज हम उगाएंगे पानी में सब्जियां, है ना ये मजेदार बात। आज हम आपके साथ आपको बताएंगे कैसे पानी में आप सब्जियां उगाकर अपने शौक को पूरा कर सकते हैं। तो आप सबसे पहले धनिया, मैंने हमेशा कहा कि धनिया की डंडियां बहुत ज़्यादा गुणकारी होती हैं। इनको आप खाने में या चटनी में और सूप में इस्तेमाल करें। अगर वो भी नहीं करना चाहते हैं तो धनिया की डंडियों को पानी में डालिए और इसको ग्लास के अंदर, हो सके तो कांच के बर्तन के अंदर ही इसको छोड़ दीजिए। 2 दिन के बाद इसके अंदर पत्तियां निकल आएंगी और आपका ताज़ा धनिया बिल्कुल तैयार हो जाएगा, है ना ये मैजिक। इसी तरह से आप पुदीने की डंडियों को पानी में डालिए और 2 दिन के बाद आप देखेंगे कि उसके अंदर पुदीने की पत्तियां, ताज़ी हरी पत्तियां निकल के आ गई हैं। इसी तरह ये देखिए, इसमें मेरे पालक की पत्तियां भी उग रही हैं। आप पालक की डंडियां लगाइए, पालक उग जाएगा। अगर आपको बेजल लीव्स जो फ्रेश वाली मिलती हैं डंडी के साथ, आप उन्हें लगाइए, वो भी इसी तरह उग जाएगा। ऑरेगानो लगाइए, वो भी इसी तरह उग जाएगा। बहुत मेजर स्केल पे या बड़े स्केल पे खेती करने को नहीं कह रही हूँ, पर हाँ, आपकी रोज़ की ज़रूरत इससे पूरी हो सकती है और आपका शौक भी पूरा हो सकता है। इसी तरह आप जो हरा प्याज है उसकी जो नीचे की जड़ होती है, आप ऊपर का इस्तेमाल कीजिए और नीचे की जड़ को काट कर पानी में डाल दीजिए। और जब आप उसको डालेंगे, आप देखेंगे 2 दिन के बाद ही उसके अंदर से ये हरी पत्तियाँ निकलनी शुरू हो गई हैं। अगर आप इतनी ही लेंथ रखना चाहते हैं तो पानी में रखिए, नहीं तो आप उन्हें किसी गमले में लगा दीजिए। फिर ये जड़ें बढ़ करके हरी पत्तियाँ इसमें से और निकल आएंगी और आप इनको इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए, मैंने ये 2 दिन पहले लहसुन की जड़ें लगाई थी और 2 दिन में ये इतनी निकल के बाहर आ गई हैं। तो आपको फ्रेश लहसुन, हरा लहसुन की पत्तियाँ घर बैठे ही मिल जाएंगी। यही नहीं, आप अगर मूली का जो ऊपर का हिस्सा होता है जिसमें पत्ता हो, उसको आप काट के पानी में छोड़ दीजिए। देखिए, मैंने पानी में कुछ नहीं डाला हुआ है और उसमें से आपकी ये हरी पत्तियां निकलनी शुरू हो जाएंगी। इनको आप एक ऑर्नामेंटल प्लांट की तरह भी इस्तेमाल कर सकते हैं, अगर आप अपने टेबल पे सजाना चाहते हैं, या फिर आपको खाने में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी तरह ये मैंने गाजर लगाया है, ये मैंने आज ही लगाया है। 2 दिन के बाद इसमें से भी पत्तियां फूटनी शुरू हो जाएंगी। और तो और लेटस जो है या सलाद पत्ता बहुत महंगा मिलता है, अक्सर ज़्यादा रखने पर ख़राब भी हो जाता है। उसको भी नीचे से काटिए और पानी में रखिए और देखिए उसकी हरी भरी पत्तियाँ निकल के तैयार हो गई हैं। घर के कोई भी कांच के कप, कांच के ग्लास जो अक्सर फूटने के बाद सेट खराब हो जाता है, आप उनको इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए, ये मेरा प्रिय कप है जो मेरे किसी फ्रेंड ने मुझे गिफ्ट किया था, इसको मैंने बिल्कुल सही उपयोग में लगाया है। तो आप इस तरह अपने शौक को बरकरार कर सकते हैं। इसी तरह आप चेरी टमाटोज उगा सकते हैं, इसी तरह आप सरसों की पत्तियां उगा सकते हैं। तो आप अपने शौक को बढ़ाइए और किचन गार्डन का घर बैठे ही आनंद लीजिए। पर ध्यान रहे, ये इस पानी में आपको मिनरल वाटर इस्तेमाल नहीं करना है, आप सादा टैप वाटर यानी नल का पानी जो है वो इस्तेमाल करें, जिससे कि जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा मिनरल्स हों। आपने आरओ का पानी इसमें इस्तेमाल नहीं करना है। इसको हल्की धूप भी लगाएं बीच बीच में, और आप इसे अंदर भी रख सकते हैं और घर के बाहर धूप में भी रख सकते हैं। तो इंजॉय कीजिए इन सर्दियों में अपने किचन गार्डन के शौक को और जुड़े रहें नीतिगर कलाकृति के साथ। थैंक यू।